आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सगे भाई ने की सगे भाई की चाकू गोद कर हत्या, मामला पारिवारिक विवाद का। गोरखनाथ पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। क्रिसमस डे के अवसर पर क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना का किया गया आयोजन। ईसाई समाज के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से लोक कल्याण की कामना, एक दूसरे को क्रिसमस डे की दी बधाई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदर सांसद रवि किशन ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। गोरखपुर न्यूज के उप संपादक अजय श्रीवास्तव के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की अपनी संवेदना। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने उनकी पत्नी अनीता को तत्काल सौंपा 5 लाख का चेक। सदर सांसद रवि किशन ने किया शोक व्यक्त, कहा अजय श्रीवास्तव थे बहुत मेहनती पत्रकार। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा हम लोग हर वर्ष मनाते हैं इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में। सदर सांसद रवि किशन ने सांसद निधि से जनपद के 3 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा मुख्यमंत्री योगी व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश व देश विकास के पथ पर है अग्रसर। कांग्रेस दलित जोड़ो अभियान समिति व जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर न्यूज के उप संपादक अजय श्रीवास्तव के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा महानगर में निकाला गया युवा अटल संकल्प यात्रा मोटरसाइकिल जुलूस। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कचहरी बस स्टैंड पर किया प्रदर्शन। 29 दिसंबर से पहले मांगों को पूरा करने की मांग नहीं पूरा होने पर 29 दिसंबर को परिवहन निगम के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में 3 दिवसीय ललित कला महोत्सव पुरस्कार वितरण के साथ हुआ संपन्न। 80 विद्यालयों से 4000 से ऊपर बच्चों ने किया प्रतिभाग। कहा ऐसे आयोजनों से बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं का होता है विकास। और शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 289 केंद्रों पर 22,690 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,088 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 14,602 लोग रहे शामिल।